hey plantaholics welcome back to my channel hope you are doing well friend this video is all about best flowering plants for extreme summers तो फ्रेंड्स आज जैसा कि जून की तेरह तारीख है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही है और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के उधर वेदर कैसा है इधर लखनऊ में बहुत ज़्यादा 41, 42 डिग्री टू है तो इस जो वेदर में कौन से ऐसे फ़्लारिंग प्लांट्स हैं जो आपके यहाँ बहुत अच्छे से फ्लारिंग करेंगे डिस्पाइट ऑफ इतना जो तेज़ या गर्म वेदर होने के बावजूद भी उनमें बहुत अच्छे से बर्ड्स आती हैं और फ्लारिंग होती है तो सबसे पहला जो आप प्लांट देख रहे हो ये है अडेनियम का फ्रेंड्स जितनी भी गर्मी हो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं स्पेशली यूपी हो गया राजस्थान है पंजाब है एमपी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है तो वहाँ के लिए ये प्लांट सबसे ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि इनको फ्रेंड्स पानी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंपेरेटिवली अदर प्लांट्स के लेकिन जब भी फ्लॉरिंग हो जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हैं तो आपको डेली की डेली इसमें वाटरिंग करनी ही करनी है जब फ्लारिंग नहीं हो रही है तो भले ही फ्रेंड्स आपसे छूट सकता है लेकिन जब फ्लारिंग हो रही हो तो उस समय आपको डेली पानी डालना है और... और मैं जितनी भी ये प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ ये सब बिना किसी ग्रीन नेट के एक्सट्रीम समर्स में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और ये पेरनीयल होते हैं मतलब सालों साल आपके घर चलेंगे तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आपको अडेनियम में इस तरीके से नॉन ग्राफ्टड भी वेराइटी मिल जाएगी और इस तरीके से ग्राफ्टेड वराइटी भी मिल जाएगी तो जैसा भी आपकी च्वाइस हो आप ला लगाइए ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ईजी टू केयर है और और फ्लारिंग बहुत अच्छे से करता है जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हो समय कितने अच्छे से फ्लारिंग हो रही है इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है जीनिया का जीनिया भी चाहो कितनी तेज धूप पड़े या फिर बहुत ज्यादा जो इन्वायरमेंट गर्म भी हो तो भी यह फ्लारिंग बहुत अच्छे से करेगा बस आपको इसमें एक चीज को बहुत ध्यान से करना होगा तभी आपको इतने खूबसूरत से फ्लार्स मिलेंगे और आपका प्लांट जो होगा वो थोड़ा सा हेल्दी भी दिखेगा क्योंकि इस प्लांट में पानी अगर जरा सा भी कम हुआ तो फिर आपके ये जो फ्लावर्स होंगे ये बिल्कुल मुरझा से जाएंगे लीव्स जो होंगी वो बिल्कुल ऐसा लगेगी कि बिल्कुल गिरा जा रहा है आपका प्लांट तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हो और अगर आप के ये काम कर सकते हो कि आप इसको दिन में दो बार पानी दे दो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं इस प्लांट में करती हूँ ऐसा भले ही मेरे कुछ प्लांट्स मैं छोड़ दूँ लेकिन मैं जीनियाज में मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी पानी डाल देती हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है फिर शाम तक ये वैसे भी इसका जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हो तो चाहे कितनी भी तेज़ धूप होगी उसमें भी ये बहुत अच्छे से फ्लारिंग करेगा इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है मॉस रोज का मॉस रोज बहुत ही खूबसूरत एक सेमी सेकुलेंट प्लांट होता है इसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो चाहो कितनी भी तेज धूप हो लेकिन मॉइस्चर बना होना चाहिए बहुत ज़्यादा सूखने ना पाए पर आपको ओवर भी नहीं करना है क्योंकि एक ये सेमी सेकुलेंट प्लांट है तो लीव्स ऑलरेडी मॉइस्चर को होल्ड किए होती हैं लेकिन जब भी जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कोई भी प्लांट फ्लावर बनाता है तो इतनी फ्रेश सी है जो आप इनकी पेटल्स देखते हो लीव्स इतनी फ्रेश फ्रेश सी बनी रहे तो उसमें मॉइस्चर होना चाहिए एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ की अधिकता होगी तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपको प्लांट भी देखने को जरूर मिलेगा तो गर्मी इतनी तेज है तो वैसे भी हम पानी डालते हैं मिस्टिंग डालते हैं तो ये सब काम करते हैं मॉइस्चर इतना गर्म होता है कि सब चीजें उड़ भी जाती हैं अगर ड्रेनेज पैटर्न आपका प्लांट्स का बहुत अच्छा है इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है विंका के जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं ये भी प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है बहुत सारे आपको फ्लावर्स बना के देगा इतना कलरफुल आपका गार्डन देखने में लगेगा तो इनको भी आप ज़रूर से ज़रूर लगा लो इसमें आप ये देखिए ये है देसी वराइटीज़ जो कि पिंक होती है और एक वाइट होती है तो ये तो बहुत आसानी से फ्रेंड्स इसके बीज भी गिरते गिरते रहते हैं तो उससे भी आप बहुत आसानी से इनको बना दोगे मेरे पास तो इनके कई सारे बीज गिर गिर के मैंने अदर प्लांट्स भी बनाए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और हाइब्रिड जो प्लांट्स होते हैं वो आप देख सकते हो इनको भी आप कटिंग और बीज के द्वारा बना सकते हैं तो बहुत आसानी से ये प्लांट लग भी जाता है प्रोपगेशन बहुत ईजी होता है और कितनी भी तेज़ धूप हो बिना किसी ग्रीन नट के ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं आप ये देखिए ये मेरे सीड से ही तैयार किए हुए प्लांट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से इस समय आप ग्रो भी कर रहे हैं इधर भी कुछ मेरे पास हैं और ये वाइट ही मोस्टली निकला है जो कि मुझे अच्छा भी लगता है इनको मिक्स एंड मैच करके अदर प्लांट्स के साथ रखना है इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है बोगनवेलिया का ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है कितनी भी तेज़ धूप हो उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और आप देख सकते हो इस समय मेरे इस वाइट वाले बोगनवेलिया में कितने खूबसूरत से फ्लावर्स आ रहे हैं तो इसमें इन प्लांट्स को फ्रेंड्स बोगनवेलिया को आप कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से लगा सकते हो और ये बहुत तेज़ एक्सट्रीम वेदर भी जब होता बहुत गर्मी भी पड़ती तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से फ्लारिंग करते हैं तो आपके भी कुछ ऐसे प्लांट्स के ऑप्शन होते हैं जो कि आप जैसे कि ग्रीन नेट नहीं लगा पा रहे हो या फिर आपके आप में बहुत ज़्यादा आप ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड करना चाह रहे हो जो कि काफ़ी ज्यादा और आप नॉर्थ इंडिया में भी स्पेशली रहते हो तो इन प्लांट्स को आप जरूर से जरूर लगाइए आपका पूरा जो गार्डन होगा वो फूलों से चाहे कितनी तेज धूप हो उसमें भी भरा रहेगा बस आपको पानी का ख्याल रखना है कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होता है जब वो फ्लॉरिंग करता है तो उसे पानी की रिक्वायरमेंट ना हो अगर आप उसको दिन में एक ही बार पानी डाल दे रहे तब भी वो बहुत ही खूबसूरत से इस तरीके से फ्लावर्स आपको बना के देगा इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है अरेबियन का, जिसे भी कहते हैं, हैं। फॉर्म में, में बहुत सारी वरायटीज होती हैं तो इनको भी आप जरूर से लगा लीजिए ये भी फुल सन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते बस जैसे कि मैंने आपको बताया पानी का बस आपको गर्मी के सीजन में बस पानी का ध्यान रखना है कि आप जब भी पानी डालें तो तो मिस्टिंग ज़रूर कर दें इनकी लीव्स पर ताकि इतना जो, जो गर्म हवा भी होती है लू भी चलती है तो उससे भी आपके प्लांट जो हो थोड़ा सा फ्रेश लगे और पानी जो होगा एक्सेस में वो इवेपोरेट भी हो जाता है तो इसमें आप अच्छे से वाटरिंग कीजिए और मिस्टिंग की, करेंगे तो आपके प्लांट्स भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और फ्लारिंग भी करेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है प्लुमेरिया का प्लूमेरिया को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर लगाइए लो मेंटेनेंस में बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है पूरा समर भर इसमें फ्लावर्स बहुत खूबसूरत uh से खिलते हैं इसमें भी आपको कलर ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं और इसमें भी आपको फर्स्ट फर्टिलाइजर्स को लेकर तो कोई ज़्यादा प्लांट में परेशानी की बात नहीं होती नहीं भी आप साल में एक बार डाल देते हो वही इसके लिए सेल्फ सफिशियंट है और ये फ्लारिंग बहुत अच्छे से करता है इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है देसी हिबिस्कस का फ्रेंड्स जो गर्मी का टाइम होता है वो देसी हिबिस्कस बहुत अच्छे से उसमें फ्लारिंग होती है तो आपको अगर हिबिस्कस पसंद है तो इस समय आप देसी हिबिस्कस को लगाइए और ये इसमें थोड़ा सा आपको मिली बग्स को लेकर थोड़ा सा ये प्रोन होते हैं हिबिस्कस के ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स तो आपको पंद्रह दिन में एक बार नीम ऑयल का अगर आप स्प्रे कर देते हो तो आपकी ये जो प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी प्लस आपका प्लांट बहुत ही सारे बर्ड्स और फ्लावर्स बनाएगा इसमें कलर्स भी आपको तीन बहुत ही खूबसूरत से मिल जाएंगे जैसे पहला आपने रेड देखा ये पिंक है वाइट है तो इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर लगा लो आपके यहाँ पूरी गर्मी भर ये बहुत अच्छे से फ्लारिंग करेगा और इसको भी किसी भी शेड की वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेरिस पे ये मेरे सारे ही प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं पूरी गर्मी भर मैंने कोई भी आज तक कभी ग्रीन नेट वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया हां थोड़ा सा मैं ध्यान ये दे देती हूं कि जो प्लांट्स तो, को दोपहर की जो धूप होती है उससे बचाना होता है तो मैं उसको ऐसे वॉल के साइड पे रखती हूँ जहाँ पे इसको थोड़ा सा दोपहर के बाद वाली धूप ना मिल सके और जो फुल डे सनलाइट में चलते हैं उनको मैं वैसे रख देती हूँ इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है ऑरेंज जुबली तिकोमा का जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पेरिनियल प्लांट होता है सालों साल आपके यहाँ चलेगा और बहुत सारे फ्लावर्स आपको बना के देगा ये भी कितनी भी धूप हो कितना भी गर्म वेदर हो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है इसके साथ साथ बहुत सारे फ्लावर्स आपको बना के देगा तो आपका गार्डन काफी ज़्यादा देखने में खूबसूरत देख तो uh, 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 फिर वो लीव्स बनाना शुरू कर देता है तो ये चीज जो uh, ये वाले जो प्लांट होते हैं इनको आपको अपने गार्डन में जरूर से जरूर लगाना चाहिए कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से लग जाएगा और बहुत सारे आपको फ्लावर्स बना के देगा जैसे कि फ्रेंड्स आप मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हो तो इसमें भी आपको वैराइटीज़ काफ़ी ज्यादा मिल जाएंगी डुआर्फ मिल जाएंगी इस तरीके से नॉर्मल वैरायटी मिल जाएगी इसके बाद जो आप नेक्स्ट प्लांट देख रहे हो ये है हेमेलिया का इसमें भी आपको दो तरीके की वरायटी आती है एक देसी आती है और एक हाईब्रिड आती है और इस तरीके से डुआर्फ आती जो मेरे पास है और आप तो इसमें वेरीगेटेड लीव्स वाली भी आ गई हैं तो जैसा भी आपको पसंद हो आप लाकर लगा लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एक लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है कितनी भी तेज धूप पड़े ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और फ्लारिंग भी इसी तरीके से करता है बस आप पानी का ख्याल रखिए फ्रेंड्स जितने भी आज मैंने आपको प्लांट्स दिखाए इन सब में कितनी भी तेज़ धूप निकले गर्मी हो बस पानी का ध्यान आप अगर दे देते हो अच्छे से इनको पानी मिल जाए टाइमली और इनके ऊपर आप मिस्टिंग कर दीजिए बहुत अच्छे से जब भी आप पानी डालते हो तो आपके यहाँ भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स खिलेंगे और इन पर भी कोई वेदर का ऐसा बुरा असर नहीं पड़ेगा तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन प्लांटिंग प्लांट्स में से आपने कौन से प्लांट्स को ऑलरेडी अपने गार्डन में इंक्लूड कर लिया है होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच